कैसे आज जो शेयर लेके आया हूँ वो है आपके सामने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये एक अच्छा खासा शेयर है, बीएससी पे लिस्टेड है, बीएससी के ही डिपॉजिटरी है। ये अपने पास दो ही चलता है, एक एनएसडी है जो एनएससी को सारे शेयर्स को डिपॉजिट करती है, और एक सीडीसीएसएल। एक्चुअल में ये करती क्या है, ये सारे जो भी हम लोग शेयर वगैरह खरीदते हैं और वो उसको सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये डिपॉजिट करके रखती है। और इसको फायदा क्या होता है, तो हम लोग जो भी शेयर खरीदते विक्रय तो खरीदते हैं और बेचते हैं, उसमें जो चार्जेस होता है उसमें कुछ चार्जेस इनको जाता है, और इनका 33% जो बिजनेस होता है वो चार्जेस से रिकवर होता है। बाकी जो ओपन करने का मेंटेनेंस एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है वो होता है। और ये इंश्योरेंस कंपनी, आप देखेंगे आप जो भी इंश्योरेंस लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसका जो शेयर डिपॉजिट होकर रहता है वो होता है। तो बीएससी के जितने भी से जो भी ओपन होते हैं, बीएससी का ये मेन रिप्रेजेंटेटिव है, बीएससी में जो भी लिस्टिंग होती है उसको सेंट्रल डिपॉजिटरी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड में रजिस्टर्ड होता है, और जो एनएससी में होता है वो एनएससी नेशनल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड में होता है। और ये आप डिसाइड नहीं करते, जब आप किसी ब्रोकर से लेते हैं, सपोज आपने कहीं पे अकाउंट खोला एचडीएफसी में खोला, तो एचडीएफसी डिसाइड करता है कि उसको सीडीएसएल में अकाउंट ओपन करना है कि एनएसडीएल, और आप उससे एचडीएफसी से पूछते हो, एचडीएफसी उसको चार्ज पे करती है। तो एचडीएफसी डिसाइड करती है कि कहाँ खोलना है उसका, जहाँ पे मिनिमम चार्जेज होगा, जहाँ मिनिमम उसको चार्ज देना होगा वहाँ पे वो ओपन करती है। तो आपको वो कंसर्न नहीं है, इसका बिजनेस ही है। अगर एक बार जाए, एक बार इसको डिटेल देख ले, एक बार क्या करते हैं ये, तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ऑपरेट्स एज ए सिक्योर डिपॉजिट इन इंडिया। द कंपनी ऑफर सर्विस फॉर ए रेंज ऑफ क्लाइंट्स सच एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट्स, कॉर्पोरेट कैपिटल्स, कॉर्पोरेट्स कैपिटल मार्केट इंटरमीडिएट। कॉर्पोरेट को कैसे करती है, तो अगर उनको शेयर होल्डर को बॉन्ड वगैरह इशू करना है तो वो इनके थ्रू इशू करवाती है, और वहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियाँ, इंश्योरेंस कंपनी को जो भी चीज़ होता है सब चीज़ वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है और ऑनलाइन फॉर्म में इनको देना पड़ता है। आगे जा करके जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपको सारा चीज़ मिलने वाला है, और सारे चीज़ आपको सारी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिट होकर रहेगी, तो वहाँ पे ये सब की और भी डिमांड बढ़ेगी। ये भी रिसेंट लो है, ये रिसेंट आईपीओ आया था इसका 2017 में, इसलिए इसका 52 लो हाई नहीं बता रहा है, बट ये 221 रुपये पे ट्रेड कर रही है। और ये आप देखेंगे इसका जो हाई बनाया था इसने 382 रुपये का हाई बनाया था और लो 204 रुपये का बनाया था। तो फ्यूज ये लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ और शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो आप इसको पोजिशनल बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इसका मार्केट कैप देखेंगे 2315 करोड़ है, बुक वैल्यू 58 है, और ये सिर्फ बुक वैल्यू के 3.8 टाइम्स मिल रही है। अगर शेयर मार्केट बंद नहीं होगा तो इसकी इनकम बंद नहीं होगी, अगर इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड ये सब बंद नहीं होगा तो इसकी ग्रोथ बंद नहीं होगी। यहाँ से आपको 2 या 3 साल में ये 500 रुपया वापस दिखा सकता है। इसका इनकम आप देखिए, इसका आप इसका रिटर्न ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए 59%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 119 करोड़, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है तो इसको कोई इसको खाली ऑपरेशन कॉस्ट है, इसके पास ऑलरेडी सब चीज़ है, डेब्ट जीरो है, कैश का बैलेंस रहता है। तो आप समझिए कैसे 3 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू आज आपको मिल रही है। तो आपको SIP इस तरह के शेयर में करना चाहिए, और यहाँ से आपको 35% हो सकता है 1.5 साल के अंदर आपको रिटर्न मिल जाए। तो 300 का टारगेट, तो आप साल भर का भी टारगेट लेते हैं तो इसमें 300 का आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको 3 साल 4 साल नहीं, इसको अच्छा। अब ये देखिए डिविडेंड भी दे रही है, 2% तो आपको रखने से डिविडेंड मिल जा रहा है। जो 2017 में कंपनी लिस्ट हो और आपको ऐसा फायदा दे रही हो तो आपको ऐसे शेयर को छोड़ना नहीं चाहिए। इसका कैश फ्लो देखिए निगेटिव है, कोई बात नहीं है। अभी इसका प्रॉफिट लॉस देख लें, तो प्रॉफिट लॉस देखिए 119 करोड़, लास्ट ईयर का 147 करोड़ था, और अभी तक ऑलरेडी 119 करोड़ आ चुका है, और अभी बाकी है अभी 3 महीने, 66%, 59%, और नेट प्रॉफिट देखे तो 103 करोड़। डिविडेंड पे आउट देखिए 35% डिविडेंड पे आउट कर रही है, ये देखिए अभी लास्ट 5 साल का कंपाउंडेड TTM 23% से है, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 7% से है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से है। अगर ये देखें तो डेब्ट फ्री है, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 33%। और चूंकि ये पहले 50% था, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन से इन्होंने, ये खुद BSE की होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग जो है इसकी और कोई नहीं है, पर खुद ही BSE है। तो आप देखेंगे प्रमोटर होल्डर 24% है, FI 1.56% है, म्यूचुअल फंड 4% है, अदर DI जो है 43% है, और FI इसमें 32 FIs है,
और प्रमोटर जो है बीएससी लिमिटेड है 24% के साथ। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है। एचडीएफसी बैंक ने इसमें 7.18% की होल्डिंग करके रखी हुई है। अगर एचडीएफसी बैंक जानते हैं तो खुद ये इसमें क्यों होल्डिंग करेगी इतनी बड़ी पोजीशन। 8 म्यूचुअल फंड ने इसमें होल्ड किया, कोई भी प्लीज शेयर को नहीं रखा गया। तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, चाहें तो आप इसमें पोजिशन बना के रख सकते हैं। अभी लास्ट क्लोजिंग देखें तो 221 को दिया है, थोड़ा सा निगेटिव है ये वहाँ पर। आपको हो सकता है ये थोड़ा इसमें गिरावट आपको अभी देखने को मिले, तो आप लोअर साइड में देखिए सेंटीमेंट 85% बाय है। डिलीवरी देखिए इसका, डिलीवरी देखिए 76% बाय, क्या अच्छा डिलीवरी है। 2314 करोड़ का मार्केट कैप है, 3.77 की बुक वैल्यू है, डिविडेंड 1.5 पे, फेस वैल्यू 10 रुपये का ये, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और फाइनेंशियल भी आप यहाँ दिखाए वापस यहाँ पे देख लीजिए। अगर सितंबर का देखेंगे 36 करोड़ की जगह 41 करोड़ का दिया है, डेब्ट 0 है, इन्वेस्टमेंट 428 करोड़ का है, तो ये प्रॉफिट भी है आप 16 से 22 करोड़ का हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, चाहें तो आप अपने पोर्टफोलियो में इसको लॉन्ग टर्म के लिए बना के रख सकते हैं। अगर को लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं या SIP करते हैं तो इसको लेना चाहिए, बाई करना चाहिए। शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो आपको यहाँ पे एक दोनों ये टू बॉट यहाँ पे एक बॉटम बनाया था और 204 का बनाया था, तो 204 का स्टॉप लॉस से आप इसको बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में। मंथली निगेटिव ही दिखा रहा है थोड़ा, ये कंटिन्यू फोर हाई बना करके उसके बाद जो बनाया था हाई 380 का, उसके बाद कंटिन्यू निगेटिव दिखा रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉटम भी बन चुका है यहाँ पे। तो देखिए 204 को अगर तोड़ता है एक बार तो थोड़ा डाउन आपको देखने को मिल सकता है इसमें, बट इसको आप SIP करके लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसका ज़्यादा कोई डाटा है नहीं अभी, ज़्यादा इसका डाटा मिले नहीं, बने नहीं है। आप देखेंगे तो ये जो वर्क कर रहा है अभी, अभी इसका डेली एक बार देख लें तो डेली चार्ट पे क्या बता रहा है। तो डेली चार्ट पे बता रहा है ये 225, अगर 9 दिन का डेमा है इसका 225, तो एक बार अगर ये 225 यहाँ से क्रॉस करता है किसी भी तरह से, अभी तो नेगेटिव ही है, 225 क्रॉस करता है तो आप पोजिशन इसमें बना सकते हैं। 250-260 के लिए टारगेट के लिए आप बना सकते हैं। तो अभी आप शॉर्ट टर्म में लिए, आप देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जो लो सबसे ज़्यादा लो बनाया था 204 रुपये का, यही अभी लो है, और मान के चले कि इसको 204 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगा के चल सकते हैं, 204 से नीचे नहीं जाना चाहिए। जाता है तो फिर आपको एक बार हो सकता है कि थोड़ा 175 तक भी जाके दिखा सकता है आपको। तो शॉर्ट टर्म में ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाना है तो उसके लिए अगर मान लीजिए आज आप लेते हैं 200 रुपये के आसपास और वापस 175 में जाता है, तो आपको वापस ले लेना चाहिए। आपका कॉस्ट, आपको लगता है कि शेयर मार्केट वगैरह बंद होगा, म्यूचुअल फंड बंद होगा, इंश्योरेंस बंद होगा, ये जितने ये एजेंसी ब्रोकर एजेंसी खुली है HDFC ICICI डीमेट सारे कहाँ मोतीलाल ओसवाली, सब कोई बंद नहीं होने वाली है। और जब इन्हीं का ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वैल्यूएशन होने वाला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आगे बढ़ने वाली, तो ये कंपनी आपको आगे जा करके हो सकता है अच्छे डिविडेंड तो ऑलरेडी दे रही है आपको, डिविडेंड तो सोचना ही नहीं है आपको, डिविडेंड 1.25% 5.8% ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए सिर्फ 60% का तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो जितनी प्रॉफिट बढ़ेगा डिविडेंड भी आपको बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंपनी को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। CDSL एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगी लॉन्ग टर्म के लिए, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कस कर लें कोई भी पोजीशन मार्केट में बनाने के पहले। वीडियो देखने के लिए बहुत